आज कुछ बातें ऐसी तय की है कि पार्टी को आगे कैसा बढ़ाएंगे, उसमें देश भर में पार्टी के जो इकाई है और पार्टी का जो संगठन है वो पार्टी का संगठन मजबूत हम कैसा बनाए, इसके बारे में मीटिंग में चर्चा हुई है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने जो अभी बोला हमको कि ये आगे की रणनीति चुनावी क्या रहने वाली है, तो अभी तो सितंबर में 1-3 चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का और मिजोरम का जी। तो इस चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष है फतेह सिंह जी, राजस्थान के हैं, उनके साथ बैठक करके राजस्थान की क्या रणनीति होगी इसके बारे में हम वहां जाकर उनके साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी हम हमारी ताकत आजमाएंगे, पूरे ताकत के साथ ये सभी चुनाव हम लड़ेंगे। बाद में देश के चुनाव में 2019 के चुनाव की तैयारी हम पार्टी का संगठन मजबूत बनाकर करेंगे, ऐसा हमने फैसला लिया है। देखनी है कि इस समय जो चुनाव जहां भी होते हैं उन चुनावों के अंदर साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, और यहां तक कि जो मशीनों को भी एक इस तरीके से उसके अंदर कर दिया जाता है कि जो भी वोट पड़ेगा बीजेपी को पड़ेगा। नहीं, वो तो मशीन तो गलत ही है, मशीन तो निकालनी चाहिए, क्योंकि मशीन यंत्र है और यंत्र का कोई भरोसा नहीं है, कोई यंत्र में कुछ भी बिगाड़ हो सकता है, कुछ भी कुछ कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है मशीन के साथ, तो वो मशीन के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कायम रहेगा। इसके लिए अभी कल अखिलेश जी ने बहुत ज़ोरदार इसके बारे में विरोध किया है मशीन का, हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक जनता दल भी इस मशीन का पुरजोर विरोध करती है, जो भी हमारी ताकत है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो पूरे राज्य में हो। जब करती है जब चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जब अब चुनाव 2019 का चुनाव आने वाला है और 3 राज्यों में और भी चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले LJD मशीन को लेकर क्या अपनी नई मुहिम छेड़ेगी? तो देश भर में इसके विरोध वातावरण तैयार करना पड़ेगा। LJD क्या करेगी? LJD के तरफ से ही बोल रही हूँ ना मैं, तो देश भर में हमारे जो भी बचे कुचे जहाँ भी मिलेंगे कार्यकर्ता, अभी तो ये पार्टी हमारी नई पार्टी है, इसको अभी हमको खड़ा करना है, संगठनात्मक मजबूती इसको लाना है, और उसके बाद हम हमारी जो भी ताकत है वो ताकत के साथ इस EVM के विरोध में एक जंतर मंतर पे बहुत बड़ा जुलूस निकाल कर इसको हम विरोध करेंगे, इतना तो हमने तय किया है। धन्यवाद।